अगस्त 1991 केवल वाराणसी ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया था। वाराणसी का लहूरा भी इलाका सुबह का समय था। अवधेश राय और अवधेश राय के छोटे भाई कांग्रेस नेता अजय राय घर के बाहर बातचीत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। ये कोई सामान्य गोलियों की आवाज नहीं थी, ये गोलियां अत्याधुनिक हथियारों से चलाई गई। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तभी खून की धारा बहती हुई नजर आई। ये खून अवधेश राय का था। जी हाँ, कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय। बताया जाता है कि जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ अपने घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, उनकी कार भी वहीं खड़ी थी, तभी उसी वक्त एक वैन तेजी से आई। हथियार बंद अपराधियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस घटना के बाद दहशत फैल गई। इससे पहले कि अजय राय को कुछ समझ आती, अजय राय कुछ कर पाते, हमलावर वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया और अवधेश राय को छलनी कर दिया। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर लगा। मृतक के भाई अजय राय ने तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अवधेश राय हत्याकांड के दो आरोपियों कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। मामले के दो अन्य आरोपी राकेश न्यायिक और भीम सिंह है। इस प्रकरण की सुनवाई पहले बनारस के ADJ कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान अदालत से चंद कदम दूरी पर बम ब्लास्ट हुआ। आरोपी राकेश न्यायिक ने सुरक्षा का हवाला देकर हाई कोर्ट में शरण ली। इसके बाद लंबे समय तक इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी रही। विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट का गठन होने पर प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई। वाराणसी में MP MLA के विशेष कोर्ट के गठन होने पर यहां मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। राकेश न्यायिक और भीम सिंह की पत्रावली अभी भी प्रयागराज में लंबित है। केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मूल केस डायरी ही गायब है। वाराणसी से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाशी हुई, मूल केस डायरी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज हुआ। मूल केस डायरी के गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी साबित किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी को धारा 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया गया। 5 जून 2023 का दिन मुख्तार अंसारी के लिए बेहद अहम था। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा के साथ ही 1,00,000 का जुर्माना भरने को भी कहा गया है। जुर्माना ना भरने की दशा में 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 20,000 रुपये का एक और जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे ना चुकाने पर सजा में 3 महीने और जोड़ दिए जाएंगे। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो गई है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी के समर्थक काफी चिंतित हैं। वहीं मीडिया में ये भी खबर आ रही है, जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा रही थी तब मुख्तार अंसारी ने अपने सर को पकड़ रखा था। अरेस्ट ऑफ प्रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1,00,000 जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए बताओ। अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा कोर्ट। 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया जेल में तो क्या उम्र कैद माइनस नहीं 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 देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1,00,000 जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपये जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देता है तो 3 महीना और जेल में। तो इस जी देखिए ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेकचलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेज में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो
जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा हम मानते हैं। सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है, क्या उस पर माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए, ऐसा है कि इनको चार पांच अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उस पे उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? एक लाख जुर्माना 302 में, और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपीलेट राइट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील की राइट सबको है, वो भी मुलजिम है उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप, कितना क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वो उनके वकील का विषय है कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। अभी क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद शुक्ला थे, चार लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जुड़ा था? हाँ, विषय के उनका चेहरा दिख रहा था और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे, ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया आदेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है, सब लोग धन्यवाद।